सीएए प्रोटेस्ट के दौरान बुलंदशहर में हुए बवाल के आरोपी को पकड़ने गई बुलंदशहर क्राइम ब्रांच और जेल चौकी पुलिस की टीम पर मुलजिम के परिवार ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस हमले में जेल चौकी प्रभारी समेत 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जबकि इस दौरान बवाल का आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। इस मामले में पुलिस की ओर से अब एक और FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि CAA NRC के विरोध में हुए प्रोटेस्ट के दौरान बुलंदशहर में हुए बवाल के आरोपी फुरकान को पकड़ने के लिए बुलंदशहर क्राइम ब्रांच और सिकंदराबाद की जेल चौकी पुलिस की टीम सिकंदराबाद के चंदेरू गांव पहुंची थी। इस दौरान मुलजिम के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जबकि इस दौरान दंगे के आरोपी को भी पुलिस से छुड़ाकर मौके से भगा दिया गया। इस मामले में सिकंदराबाद पुलिस की ओर से 9 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस ने अब एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सिकंदराबाद कोतवाली के चंदेरू गांव में पुलिस टीम दबिश देने गई थी, हमला हुआ है। किन मामलों में आरोपी था जिसको पकड़ने गए थे और कितने लोगों पर FIR हुई या क्या कार्रवाई हुई? ये कल दिनांक 10 तारीख को क्राइम ब्रांच बुलंदशहर से एक टीम आई थी दबिश के लिए ग्राम चंदेरू में, जो 2019 में घटना हुई थी जिसके मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है, और उसमें एक फुरकान पुत्र मुल्ला सलाम ये वांछित चल रहे थे, उनकी दबिश के लिए टीम आई थी। तो वहाँ पे पब्लिक के द्वारा और उनके घर वालों के द्वारा विरोध किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, जिसके संबंध में कल थाना सिकंदराबाद पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभी और 9 लोगों के खिलाफ और अन्य अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत है, जिसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रचलित है। किन धाराओं में आरोपी था जिसको पुलिस पकड़ने गई थी? दंगों की धाराओं में था, 19 की घटना थी, CA के विरोध में जो घटना घटित हुई थी उससे संबंध में था। फिलहाल चौकी प्रभारी और घटना में घायल हुए पुलिस कर्मियों का उपचार कराया जा रहा है, जबकि पुलिस की टीमें अब बवाल के आरोपी के साथ साथ सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दे रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी सिकंदराबाद से, जहां दबंगों ने क्लिनिक में घुसकर आयुर्वेद के डॉक्टर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोपियों ने मामूली विवाद में घटना को अंजाम दिया था। क्लिनिक में लगे CCTV में कैद हुई डॉक्टर से मारपीट की घटना। ये करीब 3-4 दिन पहले की घटना है, जिसमें थाना सिकंदराबाद के पास में ही एक डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिसके संबंध में भी थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और डॉक्टर साहब का मेडिकल करा के और जो भी उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कई दिन पुराना बताया जा रहा डॉक्टर से मारपीट का वायरल वीडियो। पुलिस इस मामले में पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है, जबकि आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में 4 दिन पहले की बताई जा रही डॉक्टर से मारपीट की घटना। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।